Hello students, today we will discuss about some important reactions of alcohol. And the first reaction is Kolbe's reaction. बेटा इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे Kolbe's reaction एक्चुअल में क्या है. तो अब देखिएगा, जैसे हमारे पास है फिनोल. फिनोल की अगर हम NaOH एंड CO2 के साथ करते हैं और यहाँ पर हम H पॉजिटिव एसिडिफिकेशन ले लें या H3O पॉजिटिव हम ले सकते हैं, ठीक है. तो हमारे पास आपको ध्यान रखना है सीधा क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड बनेगा. मीन्स हम बनाएंगे, यहाँ पर तो OH है और यहाँ पर क्या लगेगा, COOH. डायरेक्ट ऐसे आते हैं पेपर में, आप ऐसे लिखोगे, इससे ये प्रोडक्ट बन जाएगा. कंप्लीट द रिएक्शन आ जाए तो ये ऐसे लिख दोगे, Kolbe's रिएक्शन आ जाए तो आप ऐसे कर दोगे. अब ये होती कैसे, एक्चुअल में समझने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो मैं अब आपको बताता हूँ. कि जैसे हमारे पास है फिनोल, ये फिनोल है हमारे पास, और जब हम इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करते हैं, अब देखना ये एसिड है, ये बेस है एक्चुअल में. तो ये बेस है Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव यहाँ से क्या कर लेगा, H पॉजिटिव को ले जाएगा, ठीक है. तो क्या होगा, हमारे पास बन गया इस तरीके से O नेगेटिव. आप देखो H पॉजिटिव गया तो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर O नेगेटिव के पास है, ठीक है. फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आया, रेजोनेंस हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया है, ठीक है. तो ये क्या बन गया, आप देखिएगा, फिनोक्साइड आयन था, ये डबल बॉन्ड ओ हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया हमारे पास ऑर्थो पोजिशन पे, बाकी ये हमारे पास है और ये हमारे, मैंने कोई खास चेंज नहीं किया है, जो चीज़ें आप पढ़ते आ रहे हो वो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर की तरफ चला गया, ठीक है. ये इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो पे आता है या फिर किस पे आता है, पैरा पे आता है, ठीक है. अब आप इसकी रिएक्शन जब CO2 से कराएंगे तो आप देखना कि अगर हम इसकी रिएक्शन किस से कराएं, CO2 से. CO2 एक एसिड होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा CO2 एसिड है, ठीक है. एसिड को इलेक्ट्रॉन पेयर की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये इसको क्या देगा, इलेक्ट्रॉन पेयर देगा. तो इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेगा. तो अब आप देखिएगा क्या बनेगा, यहाँ से स्ट्रक्चर बन रही है आपके पास, ये डबल बॉन्ड ओ है आपके पास, इसने इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है तो सी हो गया, डबल बॉन्ड ओ हो गया और यहाँ पर O, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया है तो इस पर कैसे चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है. अब यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये थे हमारे पास, ये बेंजीन, बेचारा बेंजीन नहीं रहा है, क्यों, इसके इलेक्ट्रॉन पेयर तो ये बेचारा बाहर आ गया. अब क्या होगा, यहाँ पर एक H होता है, ठीक है. तो H, अब ये बेंजीन क्या होना चाहेगा, फिर से एरोमेटिसिटी लेना चाहेगा, मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स को वापिस लेना चाहेगा, अपने बॉन्ड पूरे करने चाहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ ले लेगा. अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ गए तो H पे कैसे चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया. ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये ऑक्सीजन पे कैसे चार्ज है, नेगेटिव, H को ये अपनी तरफ ले लेगा. तो आप देखिएगा क्या बनेगा. यहाँ पर एक चीज़ और है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर आया है तो इस कार्बन के दो बॉन्ड ये हो गए, एक ये हो गए और दो पांच हो गए, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर शिफ्ट कर देगा. तो अब आप देखना क्या बना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर गए थे, ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड ऑलरेडी थे, और यहाँ पर क्या बना था आप देखिएगा, भाई सी है, डबल बॉन्ड ओ है और इस ओ के साथ क्या लग गया था, ये एच लग गया था, ठीक है. अब आप इसका एसिडिफिकेशन कर दीजिए, H पॉजिटिव तो O के साथ क्या जुड़ जाएगा, H पॉजिटिव OH एंड COOH, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, इट इज सैलिसिलिक एसिड,
समझ आया बेटा? एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर आपका डायरेक्ट कंप्लीट द रिएक्शन आता है या नेम रिएक्शन आती है तो आपको इस तरीके से ये चीजें कर देनी है, ठीक है। फिनोल को आप कन्वर्ट कर दोगे सैलिसिलिक एसिड में। अगर आपसे कह दे NaOH है, CO2 H पॉजिटिव है, इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, डायरेक्ट आप लिख दोगे, स्टेप बाय स्टेप भी आप लिख सकते हो। ये इसका जो मैंने बताया है, ये मैकेनिज्म बताया है, पूछा कम जाता है, लेकिन एक रिएक्शन को समझने के लिए जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हुआ कैसे एक्चुअल में। हम डायरेक्ट अगर ऐसे कर लेंगे भाई ऐसे, ये तो रटने वाली बात हो गई, एक्चुअल में प्रोसेस क्या हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिनोल की बेस की प्रेजेंस में, जब भी हम बेस की प्रेजेंस में करते हैं तो जनरली क्या होता है, बेस फिनोल का एच पॉजिटिव ले लेता है, फिनोक्साइड आयन बन जाएगा ओ नेगेटिव, जिससे ये बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो गई, ज्यादा एक्टिव हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा तो ये बाहर आ गया। अब दूसरी चीज मैं बता रहा हूं आपको कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑर्थो पे आया, ये पैरा पे भी तो आ रहा था, तो ये प्रोडक्ट पैरा पे भी तो बन सकता था, ये ऑर्थो पे क्यों बना? That is only because of intramolecular hydrogen bonding. ये जो है ये इसके साथ intramolecular hydrogen bonding बना लेता है ortho वाला, जिसकी वजह से ये stability बढ़ जाती है, और जो ज़्यादा stable होता है वो major product होता है, इसलिए ये product ortho पे बना। अब यहाँ से मैं बता रहा हूँ, resonance की वजह से electron pair ortho पे आ गया, इसने carbon को electron दिया, oxygen ने यहाँ से ले लिया, अब ये बन गया C O पे negative, ये double bond हो, कार्बन से इलेक्ट्रॉन पेयर गया था तो इसको यहाँ से मिल गया, ठीक है, सीधा यहाँ अटैच होता चला जाएगा। ये प्रोसेस हम कई बार कर चुके हैं। बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी मेंटेन करने के लिए क्या करता है, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लेता है एच पॉजिटिव, ये यहाँ जुड़ जाएगा और ये जो बना ये क्या बना, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। इस पे इसी रिएक्शन पे डिपेंड है कि अगर हम इस सैलिसिलिक एसिड की एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रिन। ये दो तीन रिएक्शन करा रहा हूं एक साथ, फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रिन। एस्प्रिन एक्चुअल में एक मेडिसिन है, पेन रिलीफ कराती है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर भी डाउन करती है। तो ये बनती कैसे, जैसे हमने क्या ले लिया, सैलिसिलिक एसिड ले लिया, OH एंड COOH, ठीक है। अब हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, CH3CO एंड O, एसिटिक एनहाइड्राइड है ये, ठीक है। अब आप देखिएगा कि होता क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CO की ट्वाइस O, ऐसे ही है CH3CO उसकी ट्वाइस हो गई, एक अकेला O बच गया। तो अब इसमें क्या होता है, एक H यहाँ से और CH3COO यहाँ से, क्या निकल गया, CH3COOH, ये तो सेपरेट हो गया, यहाँ O बचा, O के साथ COCH3 लग जाएगा, तो क्या बनेगा अब देखिएगा, यहाँ पर है हमारे पास O, यहाँ पर COOH है, यहाँ पर क्या लगेगा, COCH3, OCOCH3 प्लस क्या है, CH3COOH, इसको हम क्या बोलते हैं, एस्प्रिन, ये वो मेडिसिन है। तो फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रिन कंप्लीट द रिएक्शन में भी आ सकता है, या वैसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है आपको, ओके। अब एक दो रिएक्शन इसकी और कराता हूं मैं, जैसे इसकी अगर हम फिनोल के साथ कराएं, इसी की रिएक्शन फिनोल के साथ कराएं, C6H5OH, ठीक है। तो बेटा क्या होगा कि यहां से H और यहां से क्या होगा, OH भी रिलीज होता है, H2O यहां से निकल जाएगा, ठीक है। जब H2O निकलेगा तो आप देखिएगा बनेगा क्या, OH तो ऊपर था, ठीक है, COO, ठीक है, COO C6H5, ठीक है, ये बना है, इसको बोलते हैं सैलोल, ठीक है, पेस्टिसाइड है ये, ठीक है,
इसको फिनाइल सैलिसिलेट भी बोलते हैं, फिनाइल सैलिसिलेट। इसी तरीके से अगर मैं दूसरी बात करूं आपसे, यहां पर हम फिनोल की बजाय अल्कोहल ले लेते हैं, OH है और यहां पर क्या है COOH, और यहां पर मैं ले लूं CH3OH, सेम रिएक्शन होगी, OH यहां से, H यहां से, H2O रिलीज हो गया, माइनस क्या हो गया H2O। अब आप देखिए क्या बना, यहां पर OH है और यहां पर COO CH3 है, COO और ये क्या हो गया CH3। इसको हम बोलते हैं मिथाइल सैलिसिलेट, मिथाइल सैलिसिलेट, ठीक है। एंड इट इज यूज्ड इन जो आप परफ्यूम यूज करते हो ना, परफ्यूम में जो अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं तो उसमें इसका यूज होता है, मिथाइल सैलिसिलेट। ओके, तो दो चीजें हमने पढ़ी है, सैलोल एंड मिथाइल सैलिसिलेट। सैलोल को हम फिनाइल सैलिसिलेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा ये हमने पढ़ी थी कौन सी, कोल्स रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद मैकेनिज्म, ढंग से पढ़ना बेटा इसको। थैंक यू।